हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12वीं क्लास के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और इसी के साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम की टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझेंगे। जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 70 मार्क्स थ्योरी को और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल को डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अलावा साल में दो इंडस्ट्रियल विजिट होंगी। चलिए समझते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की थ्योरी बेसिकली दो यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जो 25 मार्क्स की वेटेज रखता है, और दूसरा पार्ट है मशीन ड्राइंग जो 45 मार्क्स की वेटेज रखता है। अब हम यूनिट वन यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को डिटेल में कवर करेंगे। एमसीक्यू को यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम बाद में कवर करेंगे, तो एमसीक्यू को छोड़ देते हैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्वेश्चन जो 100% हमेशा आता है वो है आइसोमेट्रिक स्केल यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। ये एक स्टैंडर्ड आइसोमेट्रिक स्केल है जो यहाँ दिखाया है और आपको यही बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। बुक्स में काफ़ी अलग अलग टाइप के सॉलिड्स दिए हुए हैं। हमारे स्कोप में यानी हमारे सिलेबस में कौन कौन से सॉलिड्स हैं वो हम यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले क्यूब बेसिक सॉलिड है, देन रेगुलर पिरामिड। रेगुलर पिरामिड में जिनका बेस ट्रायंगुलर हो, स्क्वेयर हो, पेंटागन हो या हेक्सागन हो, बस यही पढ़ेंगे। सेम वे प्रिज्म है, उसमें भी बेस और टॉप सरफेस ट्रायंगुलर हो, स्क्वेयर हो, पेंटागन हो या हेक्सागन हो, सिर्फ यही पिरामिड्स और प्रिज्म पढ़ना है। इसके अलावा कोन पढ़ना है, सिलेंडर हमें पढ़ना है, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हमें पढ़ना है। ये पार्ट वन है सॉलिड का। दूसरा पार्ट टू है फ्रस्टम ऑफ सॉलिड। कौन से सॉलिड? कोन का फ्रस्टम, जो हमने पार्ट वन में पिरामिड्स पढ़े हैं उन्हीं पिरामिड्स का फ्रस्टम। पिरामिड में ट्रायंगुलर पिरामिड का फ्रस्टम, स्क्वेयर पिरामिड्स का फ्रस्टम, पेंटागोनल पिरामिड का फ्रस्टम और हेक्सागोनल पिरामिड्स का फ्रस्टम। लेकिन ये सारे फ्रस्टम लिमिटेड टू टू कंडीशंस है। नंबर वन, फ्रस्टम का कटिंग प्लेन पैरेलल टू बेस होगा, यानी ऐसे पिरामिड्स ही पढ़ने हैं जिनका कटिंग प्लेन पैरेलल टू उसके बेस होगा। सेकंड, फ्रस्टम सिर्फ वर्टिकल पोजीशन में ही पूछे जाएंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक कॉमन नोट्स है जो हमें समझना है। जैसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम करते हैं कि हिडन एजेस को हम हिडन लाइन से शो करते हैं, यहाँ हमें हिडन एजेस को हिडन लाइन से शो नहीं करना। सेकेंड पॉइंट है, हमें सिर्फ ऐसे सॉलिड्स पढ़ने हैं जिनका एक्सिस या तो एचपी और वीपी के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, यानी हमें कोई भी इंक्लाइंड सॉलिड्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन नहीं बनाना है। एक और पॉइंट है, जितने भी फिगर्स हम 12th क्लास की इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पढ़ेंगे वो तो सब रेगुलर हैं, कोई भी इरेगुलर फिगर्स हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब समझते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के थर्ड पार्ट को, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में हमें सिर्फ सॉलिड्स पढ़ने हैं, फ्रस्टम ऑफ सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यानी जो दो गिवन सॉलिड्स होंगे उनमें से कोई भी सॉलिड फ्रस्टम नहीं होगा। एज पर गिवन क्वेश्चन कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो सकती है। इसमें भी कुछ पोजीशन का ध्यान रखना है, कौन सी पोजीशन ऑफ सॉलिड हमारे सिलेबस में है और कौन सी नहीं है। नंबर वन, सॉलिड वही पढ़ने हैं जिनका बेस साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो। इसी में दूसरा पार्ट है कि दोनों सॉलिड एक दूसरे पे सेंटर टू सेंटर रखे हुए, इसी को सेंट्रली अलाइंड बोलते हैं। नंबर टू, दोनों सॉलिड का एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक सॉलिड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, लेकिन दोनों सॉलिड एक साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ यूनिट वन यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम क्योंकि सिलेबस कवर कर रहे हैं और वो भी ब्रीफ में कवर कर रहे हैं, डिटेल में हर टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। अब समझते हैं हमारे यूनिट नंबर टू यानी मशीन ड्राइंग को। मशीन ड्राइंग टोटल 45 मार्क्स की वेटेज रखता है। यहाँ भी हम एमसीक्यू को बाद में कवर करेंगे, तो यदि एमसीक्यू को हम छोड़ दें तो बेसिकली मशीन ड्राइंग दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट वन ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स एंड पार्ट टू असेंबली एंड डिसअसेंबली ड्राइंग्स। सबसे पहले हम कवर करेंगे ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स।
इस पार्ट में हम बेसिक मशीन पार्ट्स को समझेंगे। बेसिक मशीन पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे स्टड, स्क्रूज, रिविट्स, नट, बोल्ट, ये सब चीज़ें हमें इसमें टोटल कवर करनी है। इनको भी फर्दर दो पार्ट में सेग्रीगेट किया हुआ। पार्ट वन में जो भी मशीन पार्ट्स हैं उन सबको हमें फुल साइज स्केल और विद इंस्ट्रूमेंट बनाना है। वहीं दूसरी तरफ पार्ट टू में जो मशीन एलिमेंट्स हैं उनको हमें फ्री हैंड स्केच बनाना है, यानी उसमें हम किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेंगे, केवल पेंसिल और पेपर पे उसको फ्री हैंड स्केच बनाना है। चलिए अब वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पार्ट वन में स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल। स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल में हमें पांच टाइप के थ्रेड प्रोफाइल्स को समझना है। नंबर वन, BSW, नकल थ्रेड, स्क्वेयर थ्रेड, मीट्रिक एक्सटर्नल थ्रेड एंड मीट्रिक इंटरनल थ्रेड। नेक्स्ट है बोल्ट। बोल्ट हमारे सिलेबस में चार टाइप के हैं, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, टी हेडेड बोल्ट, स्क्वेयर हेडेड बोल्ट एंड हुक बोल्ट, या उसको जे बोल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है नट। नट हमें दो पढ़ना है, हेक्सागोनल नट एंड स्क्वेयर नट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेन वॉशर। प्लेन वॉशर वन टाइप का ही है, तो हमें सिंपल प्लेन वॉशर ही पढ़ना है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बोल्ट एंड नट, ये दो टाइप से पूछे जा सकते हैं, विदाउट वॉशर एंड विद वॉशर। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ नट एंड बोल्ट कुछ भी हो सकता है। जो हमारे सिलेबस में चार बोल्ट हैं और दो नट हैं उनका आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। नेक्स्ट मशीन पार्ट है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ये भी वन टाइप ही है। ये हमारा पार्ट वन है। पार्ट टू यानी फ्री हैंड स्केचेस, सबसे पहले हम समझेंगे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड। इसमें दो हैं, इंटरनल थ्रेड एंड एक्सटर्नल थ्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है स्टड्स। स्टड्स हमारे तीन टाइप के हैं, प्लेन स्टड, स्क्वेयर नेक स्टड एंड स्टड विद कॉलर। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रू। स्क्रू हमारे सिलेबस में पांच टाइप के हैं, कप हेड, चीज हेड, काउंटर सिंक हेड, ग्रब स्क्रू एंड हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। नेक्स्ट टॉपिक है रिविट्स। रिविट हमारे सिलेबस में चार टाइप की हैं, स्नैप हेड, पैन हेड, 60 डिग्री CSK हेड या इसको काउंटर सिंक हेड बोलते हैं, फ्लैट हेड एंड लास्ट टॉपिक कीज। कीज हमारी थ्री टाइप की हैं, सबसे पहले सिंपलेस्ट की, रेक्टेंगुलर टेपर की, देन वुडरफ की, डबल हेड, जिब हेडेड, फीदर की। ये तीन की हमारे सिलेबस में, और दिस इज द एंड ऑफ आवर मशीन पार्ट्स। अब हम पढ़ेंगे असेंबली ड्राइंग्स एंड डिस असेंबली ड्राइंग्स। इस पार्ट में हमारे सिलेबस में 10 मशीन ब्लॉक्स हैं जिनकी हमें असेंबली और डिस असेंबली दोनों पढ़नी है। अब हम समझेंगे कौन कौन से 10 मशीन ब्लॉक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले है बियरिंग्स। बियरिंग हमें दो टाइप के पढ़ना है, ओपन बियरिंग्स एंड बूस्ट बियरिंग। बूस्ट बियरिंग को क्लोज बियरिंग भी बोलता है। नेक्स्ट है रोड ज्वाइंट्स। रोड ज्वाइंट में हमें तीन ज्वाइंट पढ़ना है, स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट, सॉकेट एंड स्पाइगोट ज्वाइंट, जिब एंड क्वार्टर ज्वाइंट। अगला टॉपिक है कपलिंग्स। कपलिंग्स में हमारे पास दो टाइप की कपलिंग्स है, एक अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग और दूसरी प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग। टर्न बकल, ये एक टाइप का टाई रोड ज्वाइंट है और ये वन टाइप ही है। नेक्स्ट टॉपिक फ्लेंज पाइप ज्वाइंट है, फ्लेंज पाइप ज्वाइंट भी वन टाइप का ही पढ़ना है। और लास्ट में है सॉलिड कास्ट आयरन पुली। पुली हमारे बुक्स में कई टाइप की दी है लेकिन हमें सिर्फ सॉलिड वेब वाली पुली पढ़नी है और वो भी मैक्सिमम डायमीटर 200 mm तक। असेंबली ड्राइंग्स और डिसअसेंबली ड्राइंग्स में हमें जो प्रैक्टिस करनी है, नोट नंबर वन, असेंबली ड्राइंग्स में फ्रंट व्यू का हाफ सेक्शनल व्यू बनाना है एंड साइड और टॉप व्यू को विदाउट सेक्शन प्रैक्टिस करनी है। डिसअसेंबली ड्राइंग्स में हमें किसी दो ऑर्थोग्राफिक व्यू का, यानी जो भी हम सब पार्ट्स बनाएंगे उनमें से किसी दो ऑर्थोग्राफिक व्यू का हाफ या फुल सेक्शन बनाना है। पॉइंट नंबर थर्ड, सेक्शन व्यू में हमें हिडन लाइंस या हिडन एजेस को शो नहीं करना है। पॉइंट नंबर फोर, इसके अलावा बाकी व्यू जो फुल व्यू बनाना है यानी जिनमें हमें सेक्शन व्यू नहीं दिखाना है उनके हिडन एजेस को शो करना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट अवर थियोरेटिकल सिलेबस। बुक्स में कुछ टॉपिक ज़्यादा दिए हुए हैं क्योंकि वो पुराने सिलेबस पर बेस्ड हैं। हमें यही टॉपिक कवर करने हैं जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल।
हमारा प्रैक्टिकल 30 मार्क्स की वेटेज रखता है, इसको डिटेल में अलग वीडियो में समझेंगे। इंडस्ट्रियल विजिट, हमारे सिलेबस में 2 इंडस्ट्रियल विजिट हैं। इंडस्ट्रियल विजिट का मेन पर्पज है इंजीनियरिंग ड्राइंग की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं है। CBSE ने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की टेक्स्ट बुक का PDF वर्जन अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, उसका लिंक सामने स्क्रीन पर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसको डाउनलोड कर लें और अपने पास रखें, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस समरी में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है वो बेसिकली लास्ट ईयर और उससे पुराने पेपर के बेस पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए दिखाया हुआ है। एज पर CBSE नॉर्म्स, ओनली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन विल बी 25 मार्क्स एंड मशीन ड्राइंग विल बी 45 मार्क्स। इसके अलावा जो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, वो बदल सकते हैं, लेकिन हाँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 25 मार्क्स की होगी, मशीन ड्राइंग 45 मार्क्स की होगी। जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसको मैं अभी पूरी वीडियो में उसको छोड़ता आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, ये 5 नंबर के आएंगे और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में कहीं से भी कितने भी मार्क्स के आ सकते हैं। यानी हो सकता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से एक भी मार्क्स का MCQ ना आए, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि MCQ 1 नंबर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आएगा और 4 नंबर का मशीन ड्राइंग से आएगा। ये बदल सकता है कि कहीं से भी कितना भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए छोड़ा था। आई होप कि आपको सिलेबस टॉपिक वाइज समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल मी और ड्रॉप मी ए मैसेज।